नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रघुजी फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों आपको तो पता होगा कि मध्य प्रदेश में कई आपको ऐसे चमत्कारिक मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक चमत्कारिक मंदिर के बारे में जानकारी लेकर हाजिर हैं, क्योंकि उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मरा हुआ भी व्यक्ति जीवित हो जाता है। और आपको बता दें कि इस मंदिर की भव्यता दूर दूर तक फैली है और इस मंदिर में भाई दूज के दिन विशाल मेले का आयोजन भी होता है और यहाँ पर सांप के काटने वाले लोग भी पहुँचते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज हमारी चैनल को अवश्य ही सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही मंदिरों के बारे में जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत पर माता रतनगढ़ वाली देवी जी का मंदिर है और यह मंदिर दतिया मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मंदिर के पास में ही सिंध नदी भी मौजूद है और दोस्तों यहां पर हर साल नवरात्रों में विशाल मेले का आयोजन भी होता है और यहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मन्नत माता से मांगते हैं और वह पूरी भी होती है। आने वाले स्थानीय लोगों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि और बीमार व्यक्ति इस मंदिर की मिट्टी खाते ही स्वस्थ होने लगता है और अगर व्यक्ति को कोई भी जहरीले कीड़े अगर काट लें या फिर सांप काट ले तो उसका भी असर कम हो जाता है। दोस्तों स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि रतनगढ़ क्षेत्र में राजा रतन सिंह का राज हुआ करता था और वह अपने दो बच्चों के साथ यहाँ पर राज किया करते थे। उनकी बेटी माडूला और उनके बेटे कुंवर गंगाराम के साथ वह राजपाट चलाते थे और यह कहा जाता है कि उसी टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के राज्य पर आक्रमण किया और रतनगढ़ का दाना पानी बंद करवा दिया और इसी के चलते राजा रतन सिंह के दोनों बच्चे क्रोधित हुए। उन्होंने खिलजी के खिलाफ आवाज उठाई, परंतु अलाउद्दीन खिलजी को यह बात नागवार गुजरी और उसने रतन सिंह के राज्य पर हमला बोल दिया, जिसके कारण रतन सिंह मारे गए और उनकी बेटी और बेटे भी इस युद्ध में मारे गए। और दोस्तों जब से कहा जाता है कि जब रतन सिंह की बेटी ने जल समाधि ली और जब ही से माता का मंदिर उसी जगह पर विद्यमान है और आज भी रतन सिंह की बेटी कई भक्तों को सांप के जहर से बचाती हैं। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि कुंवर गंगाराम भाई हैं जो उनका भी वहीं पर मंदिर मौजूद है और वह भी भक्तों को सांप के जहर से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब कुंवर गंगाराम जंगल में भ्रमण करते थे तो सारे जहरीले जीव अपने अंदर जहर नहीं रख पाते थे, इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी को सांप या फिर जहरीला कीड़ा काटता है तो वह कुंवर बाबा के नाम से बंध भी लगाता है और उस बंध के कारण वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि जब भी कुंवर बाबा के नाम से बंध लगाते हैं तो वह व्यक्ति दीपावली के भाई दूज के दिन रतनगढ़ माता के मंदिर में जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि उस टाइम विशाल मेले का आयोजन भी होता है और उसी टाइम कई भक्त जो सांप के काटे जाने से बीमार होते हैं तो वहां पर पहुंचते हैं और वह बिल्कुल ही स्वस्थ होकर वापस लौटते हैं। दोस्तों यह थी हमारी जानकारी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और